गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की ये जो मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंचाइजीज, ये सबके लिए नहीं है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या फ्रेंचाइजी हो, तभी आप इस वीडियो को फर्दर आप कंटिन्यू देखिए, वरना ये वीडियो आपके लिए इंटेंडेड नहीं है। ये कोई कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर चुका है कि अनाउंस कर दिया उन्होंने कि लॉकडाउन 3 मई तक जाएगा। बट एक होता है जनरल लॉकडाउन और एक होता है कि क्लासेस के ऊपर लॉकडाउन। जहां तक मेरी समझ है, एजुकेशनल सेक्टर में सोशल डिस्टेंसिंग स्टूडेंट्स लोग के बीच में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ये भी हो सकता है कि एजुकेशनल सेक्टर पे जो लॉकडाउन है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। मतलब एजुकेशनल सेक्टर वाला जो लॉकडाउन है, हो सकता है वो जून तक चला जाए, पता नहीं जुलाई तक भी चला जाए। जहां तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सवाल है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो क्लियर बोल दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो 10 जून तक क्लोज रहेंगे। अब प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि फाइनल के बैचेस तो लगभग लगभग मेरे जितने भी हैं वो हर जगह ओवर हो चुके हैं, कैलकाटा में लगभग ओवर हो चुके हैं, फ्रेंचाइजीज में भी लगभग ओवर हो चुके हैं, कुछ क्लासेस बची हुई स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं का उनको एक क्वेश्चन है कि सर वो क्लासेस हमें ऑनलाइन मिलेंगी कि नहीं, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो है इंटर के स्टूडेंट्स का, जिनका नया बैच स्टार्ट हुआ था फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन, जिनमें भी केवल कुछ क्लासेस हुई थी और कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब में भी डाल दी हैं सपोर्ट के लिए। तो मेन तो यही है, तो इसी सिलसिले में आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंचाइजीज हैं वो ध्यान से कृपया करके इसको सुने, ठीक है? बाकी लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया नहीं है। पॉइंट नंबर वन, पैंडेमिक वर्ड। पैंडेमिक ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना, एपिडेमिक सुना हुआ था, पैंडेमिक नहीं। और ये जो भी हो रहा है कोरोना का, ये हम सबके लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये सबके लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, कभी इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली जहां पूरा का पूरा वर्ल्ड ही एक लॉकडाउन स्टेज में चला जाए। तो शुरू में तो मैं इसको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया स्टार्ट को कि यार ऐसा कैसे हो गया। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है, आज मैं 7 8 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और पढ़ाते वक्त हर वक्त ही काम 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 लगा रहता था। मैं 24/7 वर्क करता था, मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 8:30 तक तो मैं सेंटर पे जाता था, सुबह से लेके एकदम रात तक एकदम हम लोग काम चलता था। और आज ऐसी स्थिति हो गई है जहां सब कुछ बंद पड़ा है, हम लोग घर में बंद पड़े हैं। और घर में बंद होने से क्या होता है ना, कोई मन भी नहीं करता। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स भी जो घर में पढ़ने की चेष्टा करेंगे, उन बेचारों को बहुत दिक्कत हो रही होगी कि माइंड फोकस ही नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा। समय मिल गया कि मई में एग्जाम जो होने वाला था अभी वो जून में होगा, पर समय मिलने से क्या होता है, माइंड तो काम नहीं कर रहा ना, ऐसा एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है कि कहीं कोई इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो आ ही गया है, फर्स्ट टाइम हम लोग लाइफ में ऐसा देख रहे हैं, ठीक है? खैर, अब इतना तो जरूर समझ में आ गया है, रिपीटेडली गवर्नमेंट ने हमें बता दिया है कि इसका अभी के लिए तो एक ही समाधान है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी जितना हो सके दूर से दूर रहें। तो इस तरह के सॉल्यूशन में क्या है कि क्लासेस जिससे पहले हुआ करती थी कि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते थे, वो मुझे अभी तो नियर फ्यूचर तक दिखाई नहीं दे रहा। भगवान करे सब अच्छा हो, पर अभी तो नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा। तो इसलिए डेस्परेटली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेकेंड चीज, वो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा जानते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस, इनके हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि इसमें ध्यान नहीं लगता या पढ़ाई नहीं होती घर पे या डिसिप्लिन नहीं रहता। पर आज एक ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब मजबूर हो गए हम सब कि मुझे भी अगर आपको सर्विस देनी है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही दे सकते हैं, आपको भी अगर सर्विस देनी है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ही ले सकते हैं। सर्विस तो आप छोड़ो, जो हमारे घर के नेसेसरी ग्रोसरीज हैं वो भी अब ऐसा हो गया कि हमें ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगाना पड़ रहा है। तो मैंने ये बड़ा ही सोच समझ के, काफी क्लैरिटी के साथ सोच समझ के डिसाइड किया कि अब से मैं भी अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करूंगा। पेन ड्राइव बोल लीजिए आप, गूगल ड्राइव बोल लीजिए, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। मतलब अब से 3 मोड होंगे पढ़ने के, एक होंगे लाइव क्लासेस, दूसरे होंगे सेंटर पर आकर या फ्रेंचाइज सेंटर पर जाकर वीडियो क्लासेस जो करते थे पहले वैसा, और तीसरा ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब दो तरीका होता है बेसिकली, गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव। तो फिलहाल जब तक कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, पेन ड्राइव तो पोस्ट से भेजी नहीं जा सकती, तब तक गूगल ड्राइव का माध्यम है कि स्टूडेंट गूगल ड्राइव से क्लासेस डाउनलोड करके पढ़ ले। तो मुझे भी अब अपनी क्लासेस जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो भी है वो मैं इस माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। अब उसका एग्जैक्टली तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो मैं ग्रेजुअली आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा डिटेल्स। ये फिलहाल इस वीडियो का मकसद ये बताना था स्टूडेंट के दिमाग में जो एक अनसर्टेनिटी थी कि भाई सिद्धार्थ अग्रवाल की क्लासेस जो हमने एनरोल की हैं या हम एनरोल करना चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेंगी, बिकॉज अब तो
कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन स्टेज में, तो उनका मैं निवारण बता रहा हूँ कि आप चिंता ना करो, आपको गूगल ड्राइव द्वारा या जो भी ऑनलाइन मैकेनिज्म होता है उस द्वारा आपको क्लासेस मिलेंगी। मोबाइल ऐप से जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे पास एनरोल्ड हैं, वो मोबाइल ऐप द्वारा क्लासेस देख सकेंगे। ये जो ऐप होगा इसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ये ऐप बिल्कुल पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव की तरह से ही वर्क करेगा। इट्स अ वेरी सिक्योर एंड सेफ ऐप, और इसमें आप क्लास डाउनलोड कर सकते हो, उसकी व्यूज रहेंगे, एक लिमिटेड व्यूज रहेंगे, आप जब चाहो फिर वो क्लास को अपने मोबाइल में ओपन करके देख सकते हो और अपना जो भी कोर्स है कंप्लीट कर सकते हो। बुक्स आपको ऑलरेडी घर में मिल ही चुकी हैं, तो ऑनलाइन बुक की भी आपको जरूरत नहीं है। अब काफी हद तक मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा ताकि ये सब की नौबत आए ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़े, पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि नहीं, दिस इज फॉर क्वाइट सम टाइम, ये भी चलेगा, ये भी जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो जहां तक हो सकता था कुछ क्लासेस काफी सारी तो मैंने यूट्यूब में इन दिनों में डाली, आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूट्यूब में कितना हो सकता है मैंने जितना भी है कुछ ना कुछ क्लासेस में डालते रहा कि कर सकूं, पर अब सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब में पुट करना या किसी भी अनसिक्योर्ड ऐप में पुट करना मेरे लिए वायबल नहीं है। आपको भी समझना पड़ेगा, जितने भी ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स वाले ऐप्स होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, इसमें मतलब एक खतरा होता है, क्लासेस की सेफ्टी सिक्योरिटी वो क्या बोलती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अब मैं जो भी बचे हुए क्लासेस हैं वो मैं आपको एकदम सेफ सिक्योर्ड ऐप द्वारा प्रोवाइड करूंगा। ये डिफरेंट ऐप है, इट वर्क्स जस्ट लाइक पेन ड्राइव। आप मतलब अपने मोबाइल फोन, जो आपका नंबर मेरे पास रजिस्टर्ड है, फोन है जो आपकी डिवाइस है उसी में आप उसको रजिस्टर करोगे। उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, उसका एक एक्टिवेशन कॉस्ट होता है जो आईटी कंपनी चार्ज करते हैं, तो मैं आपको एक्टिवेशन कॉस्ट वगैरह जो वो आपको बता दूंगा। आप मुझे मैं आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी एक नॉमिनल चार्ज रहेगा, तो वो पेमेंट कैसे करना है उसका मैं मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। आप घर से बैठे बैठे ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं एग्जैक्ट डिटेल्स आपको नहीं बताता, जैसे पे यू मनी के द्वारा, यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की संपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है, कि आप उससे पेमेंट कर सकते हो, नॉमिनल अमाउंट रहेगा जो भी एक्टिवेशन कॉस्ट होता है। आपको मोबाइल ऐप में ही वो क्लासेस मिलेंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, रख लेना और फिर आप एकदम क्लियर देख सकते हो, उसमें कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग में अटकने वाले चीज नहीं। इट्स अ वेरी सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ गेटिंग द क्लासेस। और ये लॉकडाउन अब जितना भी लंबा चले, हो सकता है कि ये पूरे कोर्स के टेनर तक ये भी चलता चला जाए, तो चिंता ना करो, जब तक चलेगा तब तक आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर भगवान ना करे लॉकडाउन बहुत ही लंबा चला गया, जुलाई तक चला गया, तो आपको सारे के सारे जो भी पेंडिंग हमारे क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको वो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो दो चीज जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है अलग से फ्यूचर में, वो है कि सर वो ऐप का प्रोसीजर हमको बताओ कि हम ऐप में कैसे अपना क्लास देख पाएंगे, और दूसरा कि सर वो जो हम लोग को एक्टिवेशन का कॉस्ट पे करना है वो कैसे करना है वो जानना है। तो वो प्रोसीजर आप चिंता रखो, वो मैं आप लोगों को एक उसका नोट बना के आप लोगों के साथ वो नोट मैं मोबाइल नंबर पे आपके शेयर कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर जो आप जानते हो 9903777243, ये मेरा ओपन नंबर है जो हमेशा से अवेलेबल रहा है। और इन दिनों क्योंकि मैं भी लॉकडाउन में था, घर में था, आई हैड एम्पल टाइम, तो जिस स्टूडेंट का भी मेरे पास जितने भी कॉल्स आए हैं, एसएमएसएस आए हैं, मैंने सबका जवाब दिया है। अकेडमिक डाउट, नॉन अकेडमिक डाउट, सब कुछ मैंने बताया है। तो मेरा नंबर आप लोग के पास हमेशा अवेलेबल है, वो मैं आप लोग को पता चल भी जाएगा कि जो मैं फ्यूचर में आप लोग को पूरा प्रोसीजर वगैरह जो भी है पेमेंट के प्रोसीजर या फिर क्लास चलाने रन करने के ऐप के प्रोसीजर, वो सब मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। द पर्पस ऑफ दिस एंटायर वीडियो वॉज टू गिव यू द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग टू मूव अहेड, यू एंड मी बोथ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी क्लासेस एट ऑल। की वरी हो रहा होगा ना कि इतने सर क्लासेस कैसे चलेंगे बताइए, तो वो उसके लिए मेरे को ये बनाना जरूरी था। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ी। ये फाइल है मेरे पास, ये आप देख सकते हो, मैं हावड़ा में रहता हूँ, तो ये हावड़ा पुलिस स्टेशन का पास हम लोगों ने बनवाया, फिर हम लोग बड़े उनके भी उनको भी थैंक्स, मैं खुद गया था पुलिस स्टेशन, काफी वेट करना पड़ा हम लोगों को, वो लोग भी बहुत ही बिजी है इस तरह के माहौल में, पर थैंक यू टू देम कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो हम लोग गए थे सेंटर पे, कुछ जरूरी काम किए और ये सेटअप हम लोग लेके आ पाए। ये जो आप क्लास का सेटअप मेरा भी देख रहे हो, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो सर हूबहू अपने क्लासरूम में बोल रहे हैं, ये क्लासरूम नहीं है, मेरा घर है। इनफैक्ट हम लोग के घर में जो एक पूजा मंदिर वाला जो रूम है उसी में बैठ के मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साउंड हो सकता है कि थोड़ा आप लोग को कम सुनाई दे, क्योंकि ये क्लासरूम वाला साउंड तो नहीं आएगा ना, क्लासरूम वाला सेटअप ही नहीं है, इट इज लाइक अ जुगाड़ सेटअप, कि किसी भी तरह हम लोगों ने तार वार कनेक्शन कर कुछ किया है, जरा सा भी कुछ तार हिल जाए तो इमिडिएटली ये वीडियो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा है। तो एक बार टेम्पररी सेटअप किया है कि अगर कल को कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाली कोई बात बतानी पड़ जाए तो वो मैं वीडियो माध्यम से आपके थ्रू कम्युनिकेट कर सकूं, ठीक है? दूसरी चीज है जो मुझे क्लियर करनी थी, जो फ्रेंचाइज के स्टूडेंट्स भी आप लोग भी दिक्कत ना, मतलब परेशान ना हो, फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज में जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको भी क्लास मिलेंगी। दो बातें बस आप ख्याल रखो प्लीज, ये आपको भी समझना चाहिए। नंबर वन, आपकी फीस अगर मुझे प्राप्त हो चुकी है तो, मतलब सपोज आपने फीस आपकी कुछ पेंडिंग ड्यू है या आपने फ्रेंचाइज को पेमेंट किया पर उनका पेमेंट बकाया है, तो आप अपने फ्रेंचाइज के थ्रू मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंचाइज को बोल सकते हैं कि वो जो भी आपकी फीस है वो ऑनलाइन मुझे रेमिट कर दें। तो एक तो आपकी फीस मेरे पास आ जानी चाहिए, और दूसरी चीज है जो एक्टिवेशन कॉस्ट एक नॉमिनल होगा वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, वो आप मुझे अपने घर से बैठे बैठे डायरेक्टली पे कर सकते हो। और जो भी आपकी बची हुई क्लासेस हैं उनके डिटेल्स मैं फ्रेंचाइजी से भी ले लूंगा, आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आपको वो क्लासेस हम लोग मोबाइल ऐप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप इससे तुम लोग का डाउट्स काफी क्लियर हो गया। केवल दो चीज पेंडिंग है, मैं बता रहा हूँ प्रोसीजरल वाला पार्ट, कि नंबर वन क्लास कैसे ऐप में मोबाइल ऐप में देखना है वो प्रोसीजर मुझे बताना है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा डिटेल में। दूसरा सर, वो एक्टिवेशन कॉस्ट पेमेंट करना कैसे करना है एसएमएस के द्वारा बताइए, वो नॉमिनल चार्ज रहेगा उसकी प्लीज ज्यादा चिंता मत करो कि सर कोई बड़ा अमाउंट है, वो जो हमारा लग रहा है नॉमिनेशन वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पे करना वो आई विल टेल यू। एंड थर्ड थिंग इज, जो फ्रेंचाइज के स्टूडेंट्स हैं कैलकाटा के स्टूडेंट्स की लिस्ट और डिटेल्स एवरीथिंग इज विद मी एंड देयर फीस इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू माई अकाउंट। बट जो फ्रेंचाइज के स्टूडेंट्स हैं आपकी फीस मुझ तक आनी चाहिए, तो अगर आ चुकी है तो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाएगा, आप चिंता ही ना करो। और अगर नहीं आएंगे तो आप प्लीज अपने फ्रेंचाइज के थ्रू कोऑर्डिनेट करो, अपने फ्रेंचाइज के थ्रू कोऑर्डिनेट करो, फ्रेंचाइज का जो भी कोऑर्डिनेटर है या ओनर है मैं हम लोग उनके थ्रू आपको डील कर लेंगे। वंस योर फीस इज क्रिएटेड एंड द एक्टिवेशन कॉस्ट इज क्रिएटेड आप ऐप में अपना क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन काफी लंबी हो गई बट एक बार बताना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत डाउट्स थे। फ्यूचर में हम लोग का यही डायरेक्शन है कि अब कुछ उपाय नहीं है, वी हैव टू गो फॉर ऑनलाइन, बिकॉज ये जो लॉकडाउन का माहौल है ना एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली, ये हो सकता है कि 6 महीने तक चला जाए। हम लोग एक इंटरव्यू देख रहे थे बिल गेट्स का, जहां बिल गेट्स ये बोल रहे हैं कि जो क्राउडेड सिचुएशन में, जैसे एलेन शो एक बहुत बड़ा शो होता है तुम लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पे आता भी है उसका देख सकते हो कभी, बहुत मतलब फेमस है वो लेडी एलेन डिजेनरस। तो बिल गेट्स का उनके साथ जो चल रहा था इंटरव्यू अभी, उसमें उन्होंने यूट्यूब में तुम देख सकते हो उन्होंने बोला है कि जिस तरह से शो में एक भीड़ आके बैठती है लाइव ऑडियंस, ये तो शायद 6-7 महीने तक पॉसिबल ना हो पाए। तो फ्यूचर में भी जाते हुए हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही मतलब स्ट्रेस करेंगे। स्टूडेंट को तीनों मोड अवेलेबल है, जिन्हें लाइव करना आके लाइव कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू टीच। दूसरा चीज है वीडियो बैचेस जो चलते हैं, चाहे कलकत्ता में चले चाहे फ्रेंचाइजी में चले वो भी। एंड थर्ड थिंग इज कि ये पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाली सुविधा भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।